दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ही दिन में गोली लगने से चार लोगों की मौत के बाद फरीदाबाद में दहशत का माहौल है। फरीदाबाद में पुलिस का खौफ और कानून व्यवस्था को दिन दहाड़े अपराधी ठेंगा दिखा रहे हैं। बता दें, NIT फरीदाबाद के दो नंबर इलाके में किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया था। तो वहीं शाम होते होते NIT फरीदाबाद की एक नंबर पोस्ट मार्केट पर बीच बाजार में कार के अंदर एक युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार के अंदर दोनों को लहूलुहान हालत में देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गाड़ी से बाहर निकलवाकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बता दें, मृतक की पहचान फरीदाबाद के सेक्टर 22 के रहने वाले गोल्डी के रूप में हुई है, जो जिम ट्रेनर बताया जा रहा है। वहीं युवती की पहचान NIT फरीदाबाद की दो नंबर इलाके की रहने वाली माइका अरोड़ा के रूप में हुई है। NIT 1 के अंदर एक गाड़ी में लड़की की लाश पड़ी है। जब मौके पहुंच गए, यहाँ BK में ले आए हैं, इनको एडमिट कराया, लेकिन दोनों डेड हैं। और ये छानबीन से लेके दोनों को गोली लगी हुई है, अभी छानबीन कर रहे हैं। जैसे मामला होगा तो पुलिस के अंदर कार्रवाई की जाएगी। दो तरह की बात आ रही है इसमें, बात आ रही है कि सुसाइड की है और दूसरी तरह बात इस बार की आ रही है कि हत्या की गई है। वो तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। मौके के हालात से क्या नजर? मौके के हालात है कि दोनों को गोली लगी हुई है, अभी कुछ नहीं कह सकते कि मौके की तफ्तीश के बाद। सिविल अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि जब दोनों को अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया तो दोनों की मौत गोली लगने की वजह से हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की मौत गोली लगने से हुई है, लेकिन पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है।